राजधानी शिमला में अस्पताल में प्रदेश भर से मरीज पहुंचते हैं, जिससे यहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। इसे कम करने के लिए प्रदेश के क्षेत्रीय व जिला अस्पतालों को सुविधा संपन्न किया जा रहा है और शिमला के विशेषज्ञ डॉक्टरों को आज की आधुनिक तकनीक के माध्यम से इन अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, ताकि यहां मरीजों को इन विशेषज्ञों की सेवा मिल सके। ये बात आज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराज शांडिल्य ने शिमला में अस्पतालों के दौरे के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने शिमला स्थित कमला नेहरू मातृ शिशु अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल और मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल भालूगंज का दौरा किया और व्यवस्थाओं को जांचा। वहीं उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल्य ने बताया है कि शिमला शहर में अस्पतालों में प्रदेश भर के मरीज पहुंचते हैं, जिस कारण यहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, दूरदराज क्षेत्रों से भी लोगों को शिमला के अस्पतालों में आना होता है, जिसके लिए प्रदेश सरकार अब प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और जिला अस्पतालों को सुविधा संपन्न कराने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को घर के निकट ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके अलावा शिमला के विशेषज्ञ डॉक्टर को नवीनतम तकनीकों के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों के अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, ताकि वहां मरीजों को इन विशेषज्ञों की सलाह व परामर्श मिल सके। देखिए, ये स्टेट का एक बड़ा प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, जहां पे हमारे किसी भी क्षेत्र के किसी भी इलाके के लोग आकर हमारी बहनें आ सकती हैं। और मैं ये देखना चाहता था कि किसी प्रकार की सुविधाओं की कमी हो या स्टाफ की कमी हो, तो उसको हम मेकअप करेंगे। मुझे पता लगा कि कुछ एक नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे कमी है, जो कि अगले हफ्ता या 10 दिन में हम लोग कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं उसको। दीनदयाल हॉस्पिटल एज वेल एज इस मानसिक रोग का, जो इन दोनों को देखना। इस देवभूमि में एक बहुत अच्छी चलन है, एक अच्छी भी मैं समझता हूँ एक रिवायत भी समझिए, प्रथा भी है कि पेशेंट्स को हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से देखते हैं। और फिर भी बहुत सी कमियां रह जाती हैं। वो कमियां कई और यहाँ के जो सॉर्ट ऑफ यहाँ की मतलब टोपोग्राफी है, यहाँ की ज्योग्राफी है, कुछ इसकी वजह से भी है। लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है। हमारा प्रयास ये रहता है, अभी है भी, और मैं स्वयं भी अपने मनसुख मांडविया जी से 2 बार मिल के आया हूँ, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दबाव जो इन बड़े हॉस्पिटल पे है वो कम हो, और हमारे जो पेरिफेरी पे मेडिकल सुविधाएं वो ज़्यादा मजबूत हों। वहीं पे अगर हम कुछ को अच्छी ऐसी सुविधाएं जो जिसके लिए उनको यहाँ आना पड़ता है और वो मुहैया हो जाए, तो यहाँ पे आना का जो प्रेशर है वो कम होगा। और यही हम देखते रहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि हम जो बाहर के हॉस्पिटल हैं हमारे, जो जो बाहर के क्षेत्रों के दूरदर्शी क्षेत्रों के, उन पे सुविधाएं वहीं प्रदान की जाएं। और अब आजकल हमारी प्रौद्योगिकी भी है, कुछ एक ऐसी भी साधन हो रहे हैं जो कि डॉक्टर वहाँ होंगे, तो अगर यहाँ से कुछ चीज़ उनको बताई जाएगी तो वो हैंडल कर लेंगे, और कहीं किसी और से भी ज़रूरत हो, अगर कोई विशेषज्ञ की जरूरत हो, तो वो भी उनको प्राथमिकता के आधार पर दी जाए। इस ओर हमारा ज़्यादा प्रयास रहता है। सर, खुशी की बात है कि 2 दिन पहले ही हमारा जो 400 करोड़ रुपया आया, उसमें इन सब का वेतन है। मैं जानता हूँ कि वो भी सच में है बड़ी समस्या थी, वो तो वो वेतन मिल जाएगा किसी विद इन दिस वीक, दे'ल गेट इट, नो प्रॉब्लम। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।